students, how are you? Fine? Okay. Today we will start our second chapter, ईदगाह. Okay? तो इसमें इसके लेखक हैं जो प्रेमचंद, उनके बारे में हमको इतना डिटेल पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग जो है स्टोरी टाइप शुरू करेंगे. तो ये जो है एक ईद के त्योहार की कहानी है. जैसे त्योहार में हम लोग बहुत खुश होते हैं, वैसे ही जो है हर एक धर्म के लोग भी जो है उसी प्रकार अपनी खुशी मनाते हैं. तो इसमें एक हामिद नाम के लड़के की कहानी है जो कि बहुत गरीब है और एक छोटे से गांव में रहता है. ठीक है, तो उसके लिए जो है बहुत खुशी का त्योहार है ये, क्योंकि गरीब देखो गरीब और अमीर दोनों खुश होते हैं कोई त्योहार आता है तो. ठीक है ना, तो गरीब लोग अपने हिसाब से मनाते हैं और अमीर लोग अपने हिसाब से मनाते हैं. ठीक है, तो ये गरीब लड़के की कहानी है जिसका कि जिसके की माता पिता नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहता है. ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं. रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है. 30 दिन के उपवास होते हैं, उसके बाद ईद का त्योहार शुरू होता है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है. सूर्य कैसे शीतल हो सकता है, सूर्य तो हॉट होता है ना, लेकिन फिर भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि सूर्य कितना अच्छा है, धूप बहुत अच्छी लग रही है. ठीक है ना, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है, शीतल होकर ईद की बधाई दे रहा है. ठीक है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है. अब गरीब है तो उनके पास पहनने के लिए जो है ज्यादा इतने जूते वगैरह नहीं है, कपड़े नहीं है, तो वो सब अपनी अपनी व्यवस्था करके जा रहे हैं. जैसे किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुईधा लेने दौड़ा जा रहा है. किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास जाता है. ठीक है ना, तेली लोग जो होते हैं जो तेल निकालते हैं, तो मूंगफली का ऐसा सब तेल गांव में निकालते हैं घर पे, तो वहां पे जाके तेल लेने के लिए जाता है. जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि ईदगाह जो है उनके गाँव में नहीं है, उनको जो है पैदल चलते चलते शहर तक जाना पड़ता है. 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, बहुत सारे लोग वहां पे मिलते हैं, शहर में तो भीड़ होती है ना. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, आप लोग भी कोई त्योहार आता है तो बहुत खुश होते हो. ठीक है, किसी ने एक रोजा रखा है वो अभी दोपहर तक, किसी ने वो अभी नहीं रखा, क्योंकि बच्चे तो इतना उपवास नहीं कर सकते. ठीक है, रोज ईद का नाम रटते थे, वह आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते और अपने पेरेंट्स के पीछे पड़े हैं कि आप ईदगाह क्यों नहीं चल रहे हो. उन्हें उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है. कुबेर किसको बोलते हैं, धन के देवता, है ना. अब देखो गांव के लोग हैं तो उनके पास कितने पैसे होंगे, बहुत कम पैसे हैं. और ये उस समय की कहानी लिखी जब जो है वो जैसे मैथ्स में आपने पैसे पढ़े थे ना, 3 पैसे 4 पैसे 5 पैसे ऐसे उनके पास है. तो बार बार वो क्या करते थे, बच्चे सब इकट्ठे हो गए तैयार होके और बार बार अपने जेब में हाथ डाल के जो देख रहे थे कि किसके पास कितने पैसे हैं, बार बार निकालते फिर रख देते फिर निकालते कि मेरे पास, सब एक दूसरे को बता रहे थे. महमूद, अब देखो इसके कैरेक्टर ध्यान रखना है. महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 पैसे उसके पास है. मोहसिन के पास 15 पैसे है. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, क्योंकि पहले बहुत सस्ता मिलता था सब कुछ. ठीक है, खिलौने मिठाइयां गेंद और न जाने क्या क्या. और सबसे ज्यादा प्रसन्न है तो हामिद. हामिद क्यों प्रसन्न है, क्योंकि उसको त्योहार मनाना है. ठीक है, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे के में डूब गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है और खुश है, और उसके पास कोई पैसे कमाने वाला नहीं है, इसलिए उनके घर में कुछ नहीं है, कुछ भी सामान नहीं होता है. ईद का दिन आ जाता है लेकिन कोई सामान नहीं होता है. हामिद के पाप में जूते नहीं है, देखो फिर सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, जैसे मुस्लिम लोग पहनते हैं ना टोपी पहन के फिर जाते हैं. फिर भी वह प्रसन्न है, अभागी अमीना, क्योंकि बच्चा है इसलिए वो हर हाल में खुश रहता है. ठीक है, अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, क्यों उसकी दादी क्यों रोती है. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, दाने से क्या मतलब है, हमारा अनाज है ना, खाने के लिए कुछ नहीं है. जैसे त्योहार में हम लोग अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, तो उसके घर में कुछ भी चीज खाने की नहीं होती है. इस अंधकार और निराशा में वो दुखी जा रही, बहुत दुखी हो जाती है कि अपने बच्चे को वो क्या खिलाएगी. किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, है ना, बोलती क्यों आ गया ये त्योहार, तो हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे अपना त्योहार सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, अमीरा का दिल का चोट रहा है, मुहावरा है, बहुत दुखी हो रही है वो. गाँव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का बाप अमीरा के सिवाय कौन है, है ना, उसको लेके कौन जाएगा, उसे अकेले कैसे जाने दे. वो डरती भी है कि मैं अब दूसरे लोगों के साथ कैसे जाना, तो कहीं भीड़ में खो जाए तो फिर कहाँ क्या करेगी वो,
है ना। नहीं, अमीना उसे अकेले नहीं जाने देगी, नन्ही सी जान थी, उस पैदल कैसे चलेगा, है ना, इतना छोटा सा है तो पैदल चल के भी कैसे जाएगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। फिर कुल दो आने पैसे बच रहे हैं, तीन पैसे हामिद की जेब में और पांच अमीना के बटुए में से, टोटल जितने पैसे होंगे घर में रहते हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, मतलब अब तो भगवान ही हमारी, अल्लाह बेड़ा पार लगाने का मतलब क्या होता है, भगवान ही हमारी रक्षा करे, है ना, जो भी करेंगे वो खुद ही करेंगे। हामिद गीता दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, है ना, तुम चिंता मत करो। गांव से मेला चला, अब सब लोग मिलके चले, मेला मतलब क्या है, लोगों की भीड़ है यहाँ पर मेला का मतलब, ठीक है, सब एक साथ ही गांव के लोग मिलके जाते हैं, ठीक है। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, कभी दौड़ कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था, गुस्सा मार के, है ना। अब चलते चलते बहुत देर हो गई, तो धीरे धीरे जो है शहर आना शुरू हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, कॉलेज है, कला घर है, आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, है ना। ईदगाह आने लगा, तो जैसे कहीं पर भी आप लोग जैसे मेला कोई भी ये होता है, मंदिर वगैरह आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो पहले तो बहुत सारी हमको चढ़ाने का सब सामान मिलता है, उसके बाद फिर जो है रेस्टोरेंट होता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं और एक मेला लग जाता है वहाँ पे, मेले जैसा सारा सामान मिलने लगता है ना। तो वैसे ही था, खूब सजी हुई थी, कितनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी, मनो मतलब बहुत सारी, ठीक है। अब और आगे चले तो ईदगाहों को दिखाई दिया, सहसा ईदगाह नजर आया, ठीक है ना। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, बाहर जो है लोगों के बैठने की जगह होती है वहां पर, उस पर जाजिम बिछी हुई है, जाजिम शब्द नया है तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी एक दरी होती है उसको जाजिम बोलते हैं। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है, और नमाज पढ़ते हैं जब जो है, जैसे हम लोग मंदिर में जाके जो है हाथ जोड़ते हैं सब लोग, है ना, एक ही बार एक ही भगवान की पूजा करते हैं, वैसे तो उसमें जो है सब लाइन से बैठ जाते हैं और एक साथ जो है वो अपना सिर झुकाते हैं और एक साथ बल उठते हैं, ठीक है। कोई यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है ना, अमीर गरीब का कुछ नहीं होता है यहाँ पर। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, वजू करना मतलब होता है हाथ धोते हैं पहले, है ना, हाथ पैर धोके फिर जाते हैं, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, इतना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, हजारों सिर एक साथ सीधे में झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, है ना। मानव भ्रातृत्व का भाव एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में जुड़े हुए है, बराबर सब लोग एक साथ मिलके एक साथ जो है वो सिर झुकाते हैं और एक साथ फिर से ऊपर उठते हैं, बराबर, मतलब भाईचारे की भावना हमको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पे हमारा अध्याय पार्ट 1 ये कर लूँ मैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, थैंक यू।